क्या आपने कभी लव बाइट के बारे में सुना है या फिर आपने किसी की लव बाइट देखी है? क्या आपने किसी को लव बाइट दी है? सनी लियोनी ने भी अपने एक गाने में हिकी खूब की है, लेकिन इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये सवाल जरूर है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी लव बाइट के बारे में। और जिन लोगों को लव बाइट नहीं देनी आती वो भी आज जरूर ये वीडियो देखने लेना, क्योंकि उन्हें भी मैं सिखा दूंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ आपकी गुड लाइफ काउंसलर उज्ज्वला, और आज आपको लव बाइट्स इंट्रोड्यूस कराऊंगी, क्योंकि ये आपको और आपके पार्टनर के बीच में प्यार की छाप छोड़ती है। बहुत से लोग इसे बहुत ही मजेदार मानते हैं और किसी के लिए थोड़ी बुरी भी हो सकती है। लव बाइट किसे कहा जाता है? लव बाइट उसे कहा जाता है जब बॉडी पर किसी निशान को छोड़ा गया हो, और जब बॉडी पर ब्लड वेसल्स फटने लगते हैं और हमारी बॉडी के किसी हिस्से में खून जमा हो जाता है, तो उसे ही लव बाइट का नाम दिया गया है। इसे हिकी के नाम से भी जाना जाता है, और जब ये शरीर पर पड़ जाता है तो इसका जो रंग होता है वो गहरा लाल या फिर बैंगनी रंग का हो जाता है। ये शरीर पर किसी ऐसी जगह पर दिया जाता है जहाँ की स्किन थोड़ी पतली होती है। लव बाइट सक करके दी जाती है, इसे लोग काफी ज्यादा एक्साइट होकर भी अपने पार्टनर को दे देते हैं। अब ये जानते हैं कि पीपल आखिर ऐसा करते क्यों हैं। ज्यादातर लोग लव बाइट उस पर्सन को देते हैं जिस पर वो अपना हक जमाते हैं, क्योंकि लव बाइट जो है कुछ ही दिनों तक शरीर पर रहती है। लव बाइट लड़के या फिर लड़की दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं, पार्टनर्स के बीच में दी जा सकती है। जो बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है उसमें लोग अपना हक जमाने के लिए अपने पार्टनर्स को लव बाइट देते हैं, और अक्सर फिल्म स्टार्स की लव बाइट भी कैमरे पर आ चुकी है। दरअसल जब लव बाइट पार्टनर एक दूसरे को बाइट करके देते हैं या फिर स्किन को सक करके देते हैं, तो निशान जो है कुछ दिन तक रहते हैं। इसमें दर्द होता है, लेकिन वो बहुत ही प्यार भरा दर्द कहा जा सकता है। अक्सर लोग इसे नेक पर देना पसंद करते हैं, थाइस पर देते हैं, लिप्स पर देते हैं, और शरीर के हर सेंसिटिव जगह पर दिया जा सकता है। अब ये नहीं समझ आया कि कैसे करते हैं तो ये भी जान लो, लव बाइट किसी भी स्किन पर यानी कहीं पर भी सक करके हल्का सा बाइट करके दिया जाता है। जब आप किसी की नेक पर या फिर हाथों पर जोर से सक करते हैं तो उनके उस जगह पर निशान पड़ जाते हैं जिसे लव बाइट का नाम दिया गया है। अभी आप पर डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पर इसे करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी जगह कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही देनी है, ये आप पर डिपेंड करता है। अब ये बात भी समझ लेना, क्योंकि बहुत से लोगों को लव बाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या करें? इसलिए पहले अपने पार्टनर से परमिशन जरूर ले लें कि आप उन्हें लव बाइट करने वाले हैं, उन्हें जरूर बता दें। आपके पार्टनर की अगर परमिशन आपको मिल जाती है तभी आप उन्हें लव बाइट जरूर दें, क्योंकि इससे होता है कि आपके बीच जो है बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट होती है। बहुत से लोग बिना पूछे लव बाइट दे देते हैं जिसका बाद में पता चलता है, तो पार्टनर को बुरा लग सकता है और रिजल्ट भी काफी ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं। अगर वो फैमिली में रहते हैं, उनका जो काम है बिजनेस है, अगर वो ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर वो काफी ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनते हैं और वहां पर लव बाइट दिख जाए, तो ऐसे में थोड़ा सा ये शर्मनाक उनके लिए हो सकता है, थोड़ा सा उनके लिए एम्बेरस मोमेंट ये क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए परमिशन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी को लव बाइट देना चाहते हैं, कि आप उन्हें लव बाइट दे सकते हैं या नहीं। शुरू कैसे करें और मौका कैसे लें लव बाइट का, ये भी जान लो। सबसे पहले तो फोर प्ले सेक्स के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वो प्लेस चुने फोर प्ले के दौरान कि आपको लव बाइट कहां पर देनी है, इसके अनुसार ही आप फोर प्ले करते हुए धीरे धीरे यानी कि ग्रेजुअली उस जगह पर पहुंचे जहां पर आपको लव बाइट देना है। जैसे कि आप फीमेल के ब्रेस्ट के पास जाकर उन्हें लव बाइट दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें किस करते हुए ग्रेजुअली उनकी गर्दन पर उन्हें लव बाइट दे सकते हैं, ब्रेस्ट के आसपास उन्हें लव बाइट दिया जा सकता है, थाइस पर दिया जा सकता है, या फिर वहां पर जहां पर कुछ हिडन प्लेस हो उनकी स्किन का जो रिवीलिंग ना हो, आप वहां पर लव बाइट दें। साथ ही अपने पार्टनर से परमिशन जरूर ले लें कि आप उन्हें लव बाइट कहां पर देने वाले हैं, और वो पूरी तरह से अग्री करें, उसके बाद ही उन्हें उस जगह पर फोर प्ले के दौरान आप लव बाइट दें। उसके बाद ही आप जो है उस प्लेस को चुनें, जब उनकी परमिशन आपको मिल जाए वहां पर आपको लव बाइट दे सकते हैं। परफेक्ट लव बाइट के लिए आपको कम से कम 10 से 30 सेकंड तक जरूर सक करना है, इसके बाद वहां से हटना नहीं है बल्कि हल्का हल्का बाइट करते रहें, उन्हें किस जरूर करते रहें। अगर पेन विद प्लेजर देना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा सा सहला भी दें। याद रखें कि लव बाइट जो है उसमें थोड़ा सा पेन जरूर होता है, उस जगह पर लाल रंग का निशान पड़ सकता है, तो ऐसे में समझ जाना कि लव बाइट जो है वो दी जा चुकी है। और अगर थोड़ा सा माइल्ड निशान है, थोड़ा सा हल्का है, तो आप दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं ताकि आपकी जो लव बाइट है वो परफेक्टली आपके पार्टनर तक चली जाए। तो ये था लव बाइट देने का परफेक्ट तरीका, यानी कि हिक्की देने का तरीका। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर लव बाइट थोड़ी गहरी हो गई है और आपको हटानी है लव बाइट, तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके टिप्स आपको दूंगी। फिलहाल वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। कि आपने किसी को लव बाइट दिया तो शेयर कर सकते हैं अपनी मूवमेंट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देखते रहिए गुड लाइफ टॉक्स।